हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेस का पार्ट नंबर 51 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका यूज लेआउट इफेक्ट के बारे में कि यूज लेआउट इफेक्ट को किस तरीके से यूज करना चाहिए हमें। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में। एंड जैस की गाइस, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया था रिएक्ट जेस टूटल की सीरीज चल रही है। कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपका मैंने यहाँ पे आपका मेंशन करा है आपका व्हाट इज अ यूज लेआउट इफेक्ट, तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे अभी। और आपको ये जो नाम दिख रहा होगा यूज इफेक्ट से थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा होगा। यस गाइस, ये सिमिलर ही है, बस यहाँ पे आपका क्या मिल जाता है, आपको लेआउट मिलता है और वहां पे आपका यूज इफेक्ट है डायरेक्टली, और दोनों के काम सिमिलरली है, बस कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे तो उन्हें हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन रखा है, इसे रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट यूज लेआउट इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक दैट इज सिमिलर टू यूज इफेक्ट हुक बट इट्स फायर सिंक्रोनियसली आफ्टर ऑल डॉम म्यूटेशंस, इट्स यूजफुल व्हेन यू नीड टू परफॉर्म सम एक्शन दैट rely on the most up-to-date DOM layout and before the browser paints to the screen। इस पैराग्राफ में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया जो आपका यूज लेआउट इफेक्ट है वो एक हुक है आपका। ओके, अब वो सिमिलर कैसे है आपका यूज इफेक्ट के साथ में, क्योंकि यूज इफेक्ट क्या करता है आपका, असिंक्रोनस है वो। ओके, वो क्या करता है आपका, रेंडर होने के बाद में एग्जीक्यूशन करता है जो भी उसके अंदर हम कंडीशन वाइज या स्टेटमेंट वाइज जो भी हम रखते हैं वो आपका आफ्टर रेंडरिंग चलता है। बट आपका जो यूज लेआउट इफेक्ट होता है ना, वो आपका क्या करता है, यहां पे मैंने मेंशन भी करा है कि डॉम में जब म्यूटेशन आपका हो चुका होता है और जब वो प्रिंट करने से पहले ब्राउजर में जो भी यूजर को दिखाने से पहले ही वो क्या करता है, अपनी जितनी भी फंक्शनैलिटी आपने उसके अंदर लिखी होगी वो वहां पे एग्जीक्यूट कर देता है। और आपको पता है गाइस कि असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। सिंक्रोनस क्या होता है कि मानिए आपके पास में बहुत सारा ग्रुप है, ठीक है, उन ग्रुप में आपका पहले नंबर का जो पर्सन है और सेकंड नंबर का पर्सन है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो आप ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि बाकी के लोगों को स्टॉप कर देंगे आप। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, असिंक्रोनस की तरफ जाते हैं चीजों को। इसीलिए रिएक्ट के अंदर आपने देखा होगा सारी कुछ चीजें जो प्रोमिसेस मैंने आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ाई थी वो असिंक्रोनस फॉर्म में, मतलब कि जितना भी फंक्शन हमने बनाया है आप पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट करते रहे, जहां पे भी एरर है वो बाद में देखेंगे, बट आगे का काम आपका कंटिन्यू रहना चाहिए, ना कि वो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो यहां पे यूज लेआउट इफेक्ट का एक ड्रॉबैक ये है कि वो सिंक्रोनस है आपका, ओके, और यूज इफेक्ट आपका असिंक्रोनस है, ये डिफरेंस है मोटा मोटा। यूज इफेक्ट आपका रेंडर होने के बाद में चलता है और यूज लेआउट इफेक्ट आपका क्या करता है, वो पहले ही ब्राउजर में प्रिंट होने से पहले ही वो क्या करेगा, अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो ये डिफरेंस समझ गए आप। और यहां पे मैंने लिखा है आपका यूज केसेस कि इसके यूज केसेस कौन कौन से बनते हैं। तो जैसे कि मैंने पहली लाइन यहां पे लिखी है आपकी, यूज लेआउट इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक दैट्स यूज्ड टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स आफ्टर रेंडरिंग एंड बिफोर द ब्राउजर्स लेआउट एंड प्रिंट प्रोसेस। मतलब कि आपका क्या है, डॉम क्या करने वाला है कि यूजर को दिखाने वाला है, जस्ट प्रिंट हो रही है चीजें किसके बेस पे, जो भी आपने चेंजेस करे हैं अपने रिएक्ट की ऐप के अंदर या कंपोनेंट के अंदर उसके बेस पे, बट वहां पे वो प्रिंट जब तक होगा उससे पहले ही आपका यूज लेआउट इफेक्ट चल चुका होगा और परफॉर्म हो चुका होगा, जो भी आपने उसके अंदर कंडीशंस और जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो आपकी वर्किंग हो चुकी होंगी। ओके, बट यूज इफेक्ट के अंदर यही चीज है कि वो क्या करेगा, प्रिंट होने के बाद में एग्जीक्यूट होगा आपका। ओके, रेंडर तो होगा ही होगा, वो प्रिंट होने के बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर आपका क्या है सेकेंड पॉइंट, ये देखिए, इट्स वेरी सिमिलर टू यूज इफेक्ट हुक बट फायर सिंक्रोनियसली आफ्टर ऑल डॉम म्यूटेशन हैव बीन प्रोसेस्ड वेयर एज यूज इफेक्ट फायर्स असिंक्रोनियसली आफ्टर रेंडरिंग। जो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया ना वही मैंने यहां पर मैंशन करा है। यहां पर मैंने मैंशन करा है कि यूज इफेक्ट आपका सिमिलर है पहले तो आपका यूज लेआउट इफेक्ट के साथ में, बट जो डिफरेंसेज है वो आपका यहां पर आपको दिख भी रहा होगा कि सिंक्रोनस है आपका यूज लेआउट इफेक्ट और असिंक्रोनियसली आपका वर्क कर रहा है आपका यूज इफेक्ट, और रेंडर होने के बाद में चीजें चलती हैं आपकी यूज इफेक्ट के अंदर। मैं बार बार इसलिए आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये डिफरेंस आपसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस यूज लेआउट इफेक्ट वर्सेस यूज इफेक्ट। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। अब तीसरा पॉइंट आप यहां पर देखेंगे, इट्स ऑफन यूज्ड फॉर एक्शंस दैट डिपेंड ऑन एक्यूरेट डॉम मेजरमेंट्स और दैट नीड टू अपडेट द यूआई बिफोर इट्स विजुअली रिप्रेजेंटेड टू द यूजर। जो लाइन मैंने अभी आपको समझाई बोल के हिंदी में वही मैंने यहां पे लिखी हुई है आपकी, कि जैसे ही यूजर को रिप्रेजेंट होने वाली होगी यूआई उससे पहले ही आपका क्या करेगा, यूज लेआउट इफेक्ट चल चुका होगा और अपना काम खत्म कर चुका होगा, वो चीज आपको विजिबल
होगी। अगर आप मानिए कि ब्राउजर में कुछ ऐसी चीज चाहते हैं कि यूजर को वो दिखती ही रहे बिफोर आपका क्या होगा रेंडर होने से पहले, तब आप क्या कर सकते हैं यूज लेआउट इफेक्ट को यूज कर सकते हैं गाइज। और इसका यूज ज्यादातर आप किस चीजों में कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी भी कंपोनेंट या एलिमेंट का आपको विड्थ निकालनी है, इनर विड्थ निकालनी है, ब्राउजर की विड्थ निकालनी है, या जो भी आपको गेट करनी है चीजें, तो उस कामों में आप इसका सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम जगहों पे आपको यूज इफेक्ट हुक ही दिखेगा जो सबसे ज्यादा यूज होते हुए आया है, क्योंकि वो लाइफ साइकिल मेथड के साथ में भी बहुत कैपेबल है। ओके, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था बहुत पहले इस सीरीज के अंदर। तो ये है आपका थ्योरी का पार्ट यूज लेआउट इफेक्ट का गाइस। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी, पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूं कि किस तरीके से यूज लेआउट इफेक्ट को आपको यूज करना चाहिए। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको करके देखते हैं। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मेरे पास में यहां पे एक फाइल होने वाली है app.js, इसी के अंदर हम सारी चीजों को करेंगे और इसका जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा यहां ब्राउजर पे देखने को मिलेगा। ओके, तो अब यहां पे चीजें कैसे करनी है आपको, मानिए कि मैं यहां क्या करता हूं आपका एक डिव ले लेता हूं, ठीक है, एक डिव है मेरे पास में। ओके, इस डिव में मैं क्या करता हूं आपका h2 है मेरे पास में, मैं लिख देता हूं आपका, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि विड्थ की आपको क्या करनी है, इनर विड्थ या हाइट विड्थ जो भी निकालनी है आपको वो निकाल सकते हैं आप इसके थ्रू। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपका मेजरमेंट एग्जाम्पल, ठीक है, ये हम करने वाले हैं। ये हो गया आपका h2, h1 ऊपर है बट h2 मैं यहां पर ले भी रहा हूं। अब इसके बाद में आपका क्या है, मैं एक और डिव ले रहा हूं, ठीक है, ये मैं एलिमेंट बना देता हूं आपका, ठीक है, जो जिसके अंदर आपका क्या है कि मैं क्या कर देता हूं लिख देता हूं आपका वेट से रिलेटेड ही है ये देखिए वेट से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहां पे टेक्स्ट लिख दे रहा हूं जिससे कि विजिबल होता रहे आपको। अब क्या करूंगा मैं इसके अंदर आपका मैं स्टाइल लिख दूंगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाई है चीजें अपनी पूरी सीरीज के अंदर, ठीक है, कैसे कैसे चीजें चलती है। 300 हम पिक्सल ले लेंगे इसका, और इसी के साथ में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपका बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये देखिए, और बैकग्राउंड में यहाँ पे कुछ वैल्यू देनी होगी हमें, या तो आप वो जो हैश वैल्यू होती है वो यूज कर सकते हैं या तो आप कुछ इस तरीके से टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, ये मैंने कर लिया। एंड इसके बाद में एक और चीज मैं मार्जिन यूज कर लेता हूँ आपका ऑटो। ओके, इतनी चीज आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ये देखिए मैंने इतनी चीज को करा सेव। एंड सेव करने के बाद में आप यहाँ पे आएंगे, इसको क्या करता हूँ मैं आपका वर्ड ब्रेक कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है, वर्ड ब्रेक कर लिया मैंने। वर्ड ब्रेक करने के बाद में कुछ इस तरीके से चीजें दिख रही हैं आपको। अब आप यहां पे देखेंगे कि आपका पिक्सल में कुछ नंबर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि जब कभी भी मैं आपको प्रोजेक्ट करवाता हूं ना गाइस, तो वहां पे मैं आपको पिक्सल टू आरएम करने का एक जो शॉर्टकट सिखा रखा है मैंने आपको Alt+Z, उसकी वजह से हुआ ये। ओके, यहां करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप चलेंगे यहां पर, यहां आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यूज लेआउट इफेक्ट हुक, ये जो हमारा H1 था वो है। Then उसके बाद में H2 लिया हमने जिसके अंदर आपका विड्थ मेजरमेंट एग्जांपल लिखा मैंने, एंड देन उसके बाद में डिव। अब डिव पे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है और जो हमने विड्थ लगाई है वो भी। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं ये चीज, तो यहां पे करता हूं मैं इसको इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए प्रॉपर्टीज जो हमने लगाई थी वो सारी की सारी आपको विजिबल हो भी रही है। और ये कितनी विड्थ है आपकी, 300 पिक्सल की। अब यही चीज आपको गेट करनी है किससे, यूज लेआउट इफेक्ट से। तो कैसे कर सकते हैं आप, तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले आपका यहां पे एक पी भी ले लेता हूं बाहर आके इस डिव के, पी लेते हैं हम एक, और यहां पे मैं लिखता हूं विड्थ, और यहीं पे हम क्या करेंगे प्रिंट करवा देंगे जो भी हमें वैल्यू मिल रही होगी विड्थ की वो। तो अब क्या करना होगा हमें सबसे पहले कि कैसे आप इन चीजों को गेट करेंगे, तो यहां पर आपकी तीन चीजें लगेंगी। सबसे पहले तो यूज स्टेट, जो कि मैंने सबसे ज्यादा आपको सिखाया इस पूरी सीरीज में, एंड यूज रेफ, इसके भी बहुत एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, और जो हमें यूज करना है इस वीडियो में यूज लेआउट इफेक्ट, ठीक है, ये तीन चीज हमें चाहिए, तीन चीज हमने यहां पे ले ली। अब इसके बाद में यहां पे क्या करते हैं, यहां पे कॉन्स्ट बनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट। अब इस कॉन्स्ट के अंदर मैं विड्थ लेता हूं एक, और एक लेता हूं आपको विड्थ को सेट करने के लिए, जो वैल्यू सेट हो जाएगी आपकी, ठीक है, हमारी यूज स्टेट पहले जीरो रहने वाली है, ये वैल्यू जीरो होने वाली है, और इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं हम, जो मैंने पी लिया है ना यहीं पर रखते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं पिक्सल्स में कि पिक्सल्स में कितना है, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहां पे आएंगे तो यहां पे अभी जीरो दिखा रहा है। ओके, अभी यहां पे हमने यूज इफेक्ट का यूज करा ही नहीं, इट मींस कि एलिमेंट को गेट करा ही नहीं अभी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहां पे, यहां लेंगे एक और कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लेने के बाद में मैं एलिमेंट रेफ कर लेता हूं जिसमें एलिमेंट को गेट करेंगे यूज रेफ से, और यहां पर ये शुरुआत में तो नल रहेगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पूरी सीरीज में दिए गाइस। ओके, इसके बाद मैं लेता हूं आपका यूज लेआउट इफेक्ट को, यहां पे हमें क्या करना होगा फैट एरो फंक्शन बनाना होगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए इफ की कंडीशन बना लेंगे हम यहां पे आपका किस में, एलिमेंट रेफ के अंदर,
अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि एलिमेंट रेफ के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो मैंने आपको यूज रेफ जब पढ़ाया था तो मैंने वहां पे आपको करके दिखाए थे कि करंट वैल्यू मिलती है हमें, फोकस चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज जो भी एलिमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करते थे, तो वही वहां पे हमें मिलता है आपको करंट। ओके, यहां पे हमें करंट मिलता है, वो हम यहां पे गेट करेंगे। गेट करने के बाद अगर ये है, अगर उसका करंट है वहां पे, तो सेट विड्थ जो हमें मिल रहा है यहां पे, जो सेट करवाना है, उसके अंदर क्या होना चाहिए आपका एलिमेंट डॉट रेफ। ओके, एलिमेंट रेफ डॉट करंट। ओके, करंट के अंदर हमें एक फंक्शन मिलेगा, क्या है आपका यहां पे आपका ये क्लाइंट रिएक्ट करके, ठीक है, इसको हम गेट करेंगे। इसके अंदर से फिर हमें क्या मिलेगा, आपका विड्थ मिल जाएगी, ये देखें कुछ इस तरीके से। अब ये आपका क्या है, एक हुक है और सिमिलर है आपका यूज इफेक्ट से, तो आपको यहां पे डिपेंडेंसी देनी होगी। या तो आप डिपेंडेंसी भी दे सकते हैं या तो आप फिर एम्प्टी एरे भी दे सकते हैं। एम्प्टी एरे का मतलब ये होगा कि आफ्टर इनिशियल रेंडर ये एक ही बार चलेगा बस आप। ओके, तो यहां पे मैं अगर करूं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं ब्राउजर पे और ब्राउजर पे रिफ्रेश कर लूं एक बार मैं, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि अभी यहां पे अभी भी हमें जीरो वैल्यू मिल रही है। इट मींस कि कुछ हमने यहां पे गलत कर रखा है। कंसोल में देख लेते हैं एक बार गाइस, कंसोल में हमें क्या मिल रहा है यहां पे, ठीक है, कंसोल में अभी भी कोई एरर नहीं मिल रहा हमें। वापस चलते हैं एक बार, वापस आने के बाद में आप देखेंगे हमने क्या मिस्टेक करी है, क्योंकि हमने जो एलिमेंट रेफ लिया है इसका तो यूज ही नहीं किया हमने, तो वो मिलेगी कैसे चीजें, तो वो मिलेगी यहां पे डिफ पे। तो यहां पे आएंगे, रेफ यूज करेंगे आपका और इसके अंदर ये पास कर देंगे आपका कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, और डिव हट गया आपका यहां पे गलती से। इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में अब चलेंगे वापस, वापस आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 300। ओके, अगर मैं चेंज कर दूं इसकी विड्थ, मानिए मैंने यहां पे कर दी इसकी विड्थ 800, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे भी डायनेमिकली चेंज हो रहा है आपका। इट मींस कि यहां पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए रिफ्रेश जैसी हो रहा है वैसे हमारे पास में आपका 800 पिक्सल यहां पे आ जा रहा है, मतलब ये प्रिंट होने से पहले ही गेट कर चुका होता है आपका यूज लेआउट इफेक्ट और स्टोर हो चुका होता है इसके पास में वैल्यू, और वही यहां पे आपका क्या करता है, यहां पे आपका स्टेट के थ्रू हमें प्रिंट करवा के पहले से ही दिखाता है। अगर आप इसे स्लो मो करके देखेंगे ना, तो यहां पे आपको कोई भी लोडर या कोई भी आपको ग्लिच नहीं दिखेगा कि थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है आपका वैल्यू आने में, या लोडर लगा सकते हैं आप वो चीज। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप यूज लेआउट इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल था आपका इसके अंदर, इसके अंदर मैंने यूज करा आपका यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज लेआउट इफेक्ट। सबसे पहले हमने यहां पे स्टेट डिफाइन करी जो कि जीरो थी, यूज रेफ यूज करा जिसको एलिमेंट को गेट करना था हमें, एंड देन गेट करने के बाद आपका यहां पे डॉट करंट। ओके, अब आप में से मैं आपको दिखाई देता हूं यहां पे कंसोल लगा के। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि कैसे मिल रहा है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी बट उन्हें याद नहीं होगा। तो देखिए मैं एक बार दिखा भी देता हूं यहां पे, तो यहां पे करंट आपको क्या मिल रहा है, डिव। ओके, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहां पे कितने सारे हमें यहां पे फंक्शंस मिल रहे हैं। ओके, इट मींस कि आप इसे गेट करेंगे, गेट करने के बाद में आप यहां पे इसको यूज कर सकते हैं। ओके, जहां पे जितनी भी चीजें मिल रही है ना आपको, फोकस, सबमिट, ये सारी चीजें, तो ये सारे के सारे आपको कैसे मिल रही हैं आपको, ये मिल रही हैं आपके यूज रेफ के अंदर। ओके, तभी हम उसमें से क्या कर रहे हैं, देन उसके बाद में हम यहाँ पे क्लाइंट रिएक्ट कर रहे हैं और जो उसकी विड्थ है उसको निकाल रहे हैं, और जो आपको विड्थ मिल रही है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी, क्योंकि स्टेट में हम सेट करवा चुके हैं उसके बाद में। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइज। सो गाइज, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट के अंदर यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर के बारे में। ये रिएक्ट 18 के जितने भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर, वो आपके हुक्स हैं, नए वाले हुक हैं आपके रिएक्ट 18 के, उनको भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर देखने वाले हैं आपका यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर के बारे में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक टिल देन बाय गाइज।